नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट के रिवीजन का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस वीडियो में हम जून महीने के एनवायरनमेंट से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप रिवीजन वीडियोज़ की PDF डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से या फिर onlyice.com पर जाकर, और वहीं पर आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम सिलेबस विद टेस्ट सीरीज, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और मेंस बूस्टर प्रोग्राम। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप onlyice.sales@gmail.com पर पूछ सकते हो। ये लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल माइक्रिलेटा एसानी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? रिसर्चर्स ने देखो पैडी फ्लो की एक नई स्पीसीज को डिस्कवर किया है नॉर्थ ईस्ट में, खास करके असम में। एसानी जो है वो एक संस्कृत वर्ड है और इसका मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, और एसानी के नाम पर पैडी फ्रो की नई स्पीसीज का नाम रखा गया है माइक्रिलेटा एसानी। एसानी एक संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है संस्कृत में नॉर्थ ईस्ट। इन फ्रॉक्स को कॉमनली देखो पैडी फ्रॉक्स के नाम से जाना जाता है। माउथ काफी ज्यादा नैरो है और साउथ ईस्ट एशिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये फ्रॉग। माइक्रिलेटा एसानी जो है करंटली एंडेमिक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मतलब नेचुरली यहीं मिलते हैं, लेकिन संभावना वैसे ये भी है हमारे जो पड़ोसी देश हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, म्यांमार, वहाँ पर भी नेचुरली मिल सकते हैं ये माइक्रिलेटा एसानी फ्रॉग्स। असम के अलावा ये मिलते हैं त्रिपुरा और मणिपुर में। तो इस प्रकार से हमने आर्टिकल डिस्कस किया माइक्रिलेटा एसानी के बारे में, पैडी फ्रॉग की नई स्पीसीज हैं। आज देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उनको हमने डिस्कस किया। कल की डिस्कशन पर आधारित आप क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे ये है, हाल ही में कौन से देश ने फॉरेस्ट को लिविंग एंटिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया? हाल ही में कौन से देश ने फॉरेस्ट को लिविंग एंटिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया? ऑप्शन इस प्रकार से हैं, पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन है होंडुरस, तीसरा ऑप्शन है आपके लिए एल सेल्वाडोर, और चौथा ऑप्शन है आपके लिए अर्जेंटीना। बताइए हाल ही में कौन से देश ने फॉरेस्ट को लिविंग एंटिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया? तो इसका आंसर है एल सेल्वाडोर। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आर्टिकल है एशियाटिक गोल्डन कैट के बारे में। क्या कंटेस्ट है? साइंटिस्ट ने देखो ये डिस्कवर किया है, ये जो एशियाटिक गोल्डन कैट है अरुणाचल प्रदेश में गोल्डन कलर के अलावा 5 और कलर में भी मिलती है। टोटल 6 कलर में मिलती है ये एशियाटिक गोल्डन कैट, मतलब इस बिल्ली की जो खाल है वो 6 कलर्स की हो सकती है। नाम यहाँ पे दिए हुए हैं सिनेमन, गोल्डन ग्रे, मेलानिस्टिक, ओसिलोट और सबसे लास्ट में टाइटली रोजेटिन। साइंटिफिक नेम क्या है एशियाटिक गोल्डन कैट का? कैटोपूमा टेमिनिकी। साइंटिफिक नेम्स के बारे में सामान्यतः UPSC के द्वारा नहीं पूछा जाता है, और IUCN की रेड लिस्ट में ये एशियाटिक गोल्डन कैट जो है वो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आती है। कहाँ कहाँ पर मिलती है? देखो इंडिया, नेपाल, भूटान, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी सारे कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया के काफ़ी सारे कंट्रीज जैसे लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया में ये एशियाटिक गोल्डन कैट मिलती है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? इस बार आपने 2019 के पेपर में देख ही लिया होगा, जैसे एशियाटिक लाइन आर फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनोसेरॉस सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाए क्या एशियाटिक गोल्डन कैट सिर्फ इंडिया में मिलती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। साइंटिस्ट का विश्वास देखो ये है, इस प्रकार से एशियाटिक गोल्डन कैट की जो खाल है वो अलग अलग कलर की होती है, तो इससे काफ़ी इकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है उनको। एक तो वो अलग अलग एलिवेशन पर अलग अलग हैबिटेट में रह सकते हैं, लो लैंड फॉरेस्ट एरिया में और एल्पाइन स्कब्स एरिया में भी एशियाटिक गोल्डन कैट रह सकती है। दूसरा देखो खाल का जो कलर है वो सहायता प्रोवाइड करता है एशियाटिक गोल्डन कैट को, वो छुप जाते हैं और अपना शिकार आसानी से कर लेते हैं। जैसे खरगोश का शिकार करना हो, किसी तीतर का शिकार करना हो, तो खाल जो है वो सहायता प्रोवाइड करती है एशियाटिक गोल्डन कैट को। नेचुरली वो छुप जाते हैं, खरगोश देख नहीं पाते आसानी से एशियाटिक गोल्डन कैट को, और एशियाटिक गोल्डन कैट अपना शिकार आसानी से कर लेती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीहा के बारे में है। ग्रीहा का पूरा नाम है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। क्या कंटेस्ट है?
देखो, रीजनल गृह समिट का 10वां एडिशन ऑर्गेनाइज हुआ नागपुर में। है क्या गृह? ये देखो एक रेटिंग टूल है। गृह की सहायता से रेटिंग दी जाती है बिल्डिंग्स को। मतलब जितनी ज़्यादा रेटिंग किसी बिल्डिंग को मिलेगी, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा ग्रीन है वो बिल्डिंग। समझ गए? पहले से बेंचमार्क डिसाइड कर लिया और उस बेंचमार्क के आधार पर इवेल्युएट किया जाता है बिल्डिंग्स को, और जो बिल्डिंग जितनी ज़्यादा ग्रीन होगी उसको उतनी ही ज़्यादा रेटिंग्स दी जाएंगी। किन क्राइटेरियाज के आधार पर रेटिंग दी जाती है उनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। देखो, ये रेटिंग जो दी जाती है वो गृह काउंसिल के द्वारा दी जाती है। गृह काउंसिल एक नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी है जिसको मिल के सेटअप किया गया है। किस किस के द्वारा? एक तो टेरी के द्वारा, यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। इन दोनों के द्वारा मिल के गृह काउंसिल को सेटअप किया गया है जो रेटिंग देती है। इस काउंसिल का काम है हमारे देश में ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट करना। देखो, आसान शब्दों में अगर हम डिस्कस करें, एक बिल्डिंग को बनाने में आपको पता है बहुत चीज़ों का इस्तेमाल होता है, एनर्जी, वाटर, मटेरियल। इन सब चीज़ों के मिसयूज़ को रोकना ये भी एक मकसद है गृह को लाने का। अगर बिल्डिंग को एसेस करने के बाद अगर किसी बिल्डिंग को स्कोर मिलता है 50 से 60, तो उस बिल्डिंग को 1 स्टार रेटिंग दी जाती है। अगर किसी बिल्डिंग को एसेस करने के बाद स्कोर मिलता है 60 से लेकर 70 के बीच, तो 2 स्टार रेटिंग दी जाती है। उसी प्रकार से अगर किसी बिल्डिंग को एसेस करने के बाद स्कोर दिया जाता है 90 से लेकर 100, तो उस बिल्डिंग को 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। मतलब वो सबसे ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग है। और अगर क्राइटेरियाज की बात करें, मतलब क्या क्या देखा जाता है किसी बिल्डिंग को एसेस करने के लिए, देखो 34 क्राइटेरियाज हैं। 34 सारे के सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप कंसेप्ट समझ लीजिए। जैसे साइट सिलेक्शन देखा जाता है, एफिशिएंट वाटर यूज हो रहा है बिल्डिंग में या फिर नहीं हो रहा है, फ्लाई एस का यूटिलाइजेशन किया गया है या फिर नहीं किया गया है, मतलब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं किसी बिल्डिंग को एसेस करते वक्त और रेटिंग देते वक्त। अब हम बात कर लेते हैं टेरी के बारे में। द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पर नीचे देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा मिलकर ही गृह काउंसिल को सेटअप किया गया है जो कि रेटिंग देती है बिल्डिंग्स को। तो टेरी के बारे में हम बात करें, ये नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। इसको शुरुआत में इस्टाब्लिश किया गया था 1974 में, उस समय नाम था टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, लेकिन 2003 में नाम चेंज हो गया। इस इंस्टीट्यूट का नाम हो गया द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, रिसर्च वर्क किया जाता है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। की फोकस एरियाज हैं क्लीन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, पोल्यूशन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस। यहाँ पर देखो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम में। सबसे पहले है IGBC, इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ये फर्स्ट रेटिंग प्रोग्राम है रेजिडेंशियल सेक्टर की बिल्डिंग्स के लिए। ये जो है IGBC, ये पार्ट है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का। इसके बाद है लीड इंडिया। लीड इंडिया का पूरा नाम है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट डिजाइन इंडिया। इसको देखो डेवलप किया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। ये जो ऊपर हमने बॉडी डिस्कस की IGBC, इसी के द्वारा लीड इंडिया को डेवलप किया गया है। ये देखो एक ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रोग्राम है, लाइसेंस दिया गया है लीड के द्वारा। लीड एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जिसको रन किया जाता है US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। काम क्या है लीड इंडिया का? ये देखो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है बिल्डिंग ओनर्स के लिए और ऑपरेटर्स के लिए, ताकि प्रैक्टिकल ग्रीन बिल्डिंग सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया जा सके और इंप्लीमेंट किया जा सके। इसके बाद है एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड। एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड को डेवलप किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। काम क्या है एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड का? काम देखो ये है ऑक्यूपेंट्स के कंफर्ट लेवल के साथ साथ एनर्जी यूज को भी ऑप्टिमाइज करना। ये जो एनर्जी सेविंग बिल्डिंग कोड है, ये कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए मिनिमम एनर्जी स्टैंडर्ड्स को सेट करती है। सबसे लास्ट में है इको निवास पोर्टल। ये देखो वेबसाइट है जिसको डेवलप किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सस्टेनेबल बिल्डिंग्स और एनर्जी एफिशिएंट होम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सके। इस पोर्टल को डेवलप किया गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, गृह काउंसिल
दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं गृह काउंसिल के बारे में। पहली स्टेटमेंट ये है, इस काउंसिल का काम है देश में हाउसिंग शॉर्टेजेस को मॉनिटर करना और कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के साथ, ताकि कोऑपरेटिव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया जा सके। दूसरा, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो स्लम रेजिडेंट्स हैं उनका रीसेटलमेंट इंश्योर करना। तो आप बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। देखो दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं। गृह काउंसिल का काम है ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट करना, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट आर्टिकल बालसम्स या फिर ज्वेल बीड्स के बारे में है। न्यूज़ में देखो इसलिए है, ईस्टर्न हिमालयस में ये बालसम्स यानी फूल मिलते हैं और 20 नई स्पीसीज मिली है बालसम्स की। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ये प्लांट्स मिलते हैं, क्लाइमेट कंडीशंस के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ड्रोट सहन नहीं कर पाते और एक्सटेंडेड एक्सपोजर अगर हो जाए सनलाइट का तो भी नुकसान पहुंचता है इन प्लांट्स को। और देखो दोनों तरह के ये हब्स होते हैं, एनुअल हब्स भी जो साल के एक निश्चित समय में खिलते हैं और पेरिनियल हब्स भी जो सदाबहार रहते हैं। वैसे बालसम्स जो हैं वो सकुलेंट प्लांट्स हैं। सकुलेंट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो रिलेटिवली मोटे और फ्लैसी होते हैं, ताकि पानी को बचाया जा सके। आमतौर पे एरिड इलाकों में जैसे राजस्थान का इलाका है वहाँ पर ये जो सकुलेंट प्लांट्स हैं वो मिलते हैं, क्योंकि देखो इन फूलों का जो कलर है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है, इस वजह से इन फूलों की जो हॉर्टिकल्चर सिग्निफिकेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल, असम के उग्रतारा मंदिर में ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल्स के कंजर्वेशन से संबंधित है। पहले आप उग्रतारा टेम्पल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो उग्रतारा टेम्पल है ये तारा देवी को डेडिकेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शक्ति श्राइन है। कहाँ पर है? असम की राजधानी गुवाहाटी में। प्रेजेंट जो ये उग्रतारा टेम्पल है इसको मनवाया गया था 1725 एडी में, यानी 1725 एडी में अहोम राजा शिवा सिंगा के द्वारा। इस मंदिर के गर्भगृह में, देखो गर्भगृह वो स्थान होता है जहाँ पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है, लेकिन इस उग्रतारा मंदिर के जो गर्भगृह है वहाँ पे देखो एक छोटा सा गड्ढा है, पिट है, यानी मतलब छोटा सा गड्ढा है और जिसे फिल किया जाता है वाटर से, और इसी को तारा देवी समझा जाता है भक्तों के द्वारा। मतलब कोई मूर्ति नहीं है या फिर कोई पिक्चर नहीं है, सिर्फ मंदिर के गर्भगृह में छोटा सा गड्ढा है जिसमें पानी को फिल कर दिया जाता है और उसे ही तारा देवी समझा जाता है भक्तों के द्वारा। तो ये तो हमने थोड़ी सी बात कर ली उग्रतारा टेम्पल के बारे में। अब हम बात करते हैं न्यूज़ की। इस मंदिर के परिसर में जो तालाब है वहाँ पे ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल्स को कंजर्व करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया। देखो होता क्या है, यहाँ पे जो भगत आते हैं तारा देवी की पूजा करने के लिए, उनके द्वारा टर्टल्स को नुकसान नहीं पहुँचाया जाता, टर्टल्स को खाना खिलाया जाता है, क्योंकि भक्तों का ये मानना है जो ये टर्टल्स हैं यानी कछुए हैं ये भगवान विष्णु का कुर्मा अवतार है। इससे पहले भी आपको याद होगा हमने कुछ समय पहले ये डिस्कस किया था, असम में एक हिली प्लेस है हाजो, वहाँ पर भी जो हयाग्रीव माधव टेम्पल है वहाँ पर ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल्स के कंजर्वेशन के लिए इसी प्रकार की पहल की गई थी। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि भक्तों के द्वारा इन टर्टल्स को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता मंदिरों में, और इन टर्टल्स को भगवान विष्णु का कुर्मा अवतार समझा जाता है। इसके अलावा देखो वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी का जो लोटा देवी टेम्पल है, फिर से बोलता हूँ, वेस्ट बंगाल के जलपाईगुड़ी में जो लोटा देवी टेम्पल है वहाँ पर भी जो तालाब है उस तालाब में भी ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल के कंजर्वेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। अब हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल के बारे में। ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल जिसे बोस्तामी टर्टल के नाम से भी जाना जाता है, ये फ्रेश वाटर टर्टल की एक स्पीसीज है, इंडिया और बांग्लादेश में मिलती है नेचुरली। जो इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल है उसी का रिलेटिव है ये ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, लेकिन इंडियन पीकॉक सॉफ्ट सेल टर्टल से अलग स्पीसीज है। 2002 में IUCN ने इस ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल को एक्सटिंक्ट करार दे दिया था। टर्टल वैसे देखो नेचुरली लोअर ब्रह्मपुत्र रिवर में मिलते थे। अगर देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि अगर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो फिर कैसे इनको कंजर्व करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं,
देखो ये वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिक प्लेसेस पर अभी भी हैं। फॉर एग्जांपल किसी चिड़ियाघर में हो या फिर कोई ऐसी लोकेशन पर हो जहाँ पर उनको कंजर्वेशन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उनके प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन वाइल्ड में नहीं मिलते अब ये ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि लुप्त हो चुके हैं तो फिर मिलते कैसे हैं। लुप्त अभी वाइल्ड में हुए हैं, पूरी तरह से लुप्त नहीं हुए हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में है। क्या कंटेस्ट है देखो ध्यान से सुनिएगा। 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज होगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन का। फिर से बोलता हूँ, ये जो कन्वेंशन है ना यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 14th सेशन होगा। और ख़ास बात यह है कि पहली बार ये सेशन इंडिया ऑर्गेनाइज करेगा, इस वजह से ये कन्वेंशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस कन्वेंशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले आप बोन चैलेंज के बारे में जान लीजिए। बोन चैलेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोन चैलेंज देखो एक ग्लोबल एफर्ट है। पूरे वर्ल्ड में 150 मिलियन हेक्टेयर का जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है या फिर डिफॉरेस्टेड लैंड है उसको रिस्टोर करना है 2030 से पहले पहले, और 350 मिलियन हेक्टेयर का जो डिग्रेडेड या फिर डिफॉरेस्टेड लैंड है इसको रिस्टोर करना है 2030 से पहले पहले। ये क्या है? ये बोन चैलेंज है। तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसी थीम पर काम करते हुए अपना खुद का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लॉन्च किया है ताकि इंडिया में फॉरेस्ट लैंडस्केप को रिस्टोर किया जा सके। अगर यूपीएससी पूछे बोन चैलेंज क्या है, आप बता सकते हो आसानी से, डिग्रेडेड और जो डिफॉरेस्टेड लैंड है उसको रिस्टोर करने से संबंधित है बोन चैलेंज। अब बात करते हैं कन्वेंशन की। कन्वेंशन कौन सी? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देखो यूएन की इन्वायरमेंट से संबंधित तीन मेजर कन्वेंशंस हैं। नंबर वन यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, नंबर टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और तीसरी जिसकी हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये देखो आई थी 1994 में। यहाँ पर देखो इस कन्वेंशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1994 में। ये एकमात्र लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि लैंड एजेंडा से संबंधित जो डेवलपमेंट इश्यूज हैं उसको लिंक करती है एनवायरनमेंट के साथ। थीम इस साल की है लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर। हर साल 17 जून का जो दिन है वो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अब क्वेश्चन देखिए जो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया है 2016 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के बारे में। तीन स्टेटमेंट्स हैं, तीनों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़िए। पहली स्टेटमेंट है इस कन्वेंशन का मतलब ये है इफेक्टिव एक्शन को प्रमोट करना इनोवेटिव नेशनल प्रोग्राम्स और सपोर्टिव इंटरनेशनल पार्टनरशिप की सहायता से। समझ गए स्टेटमेंट को। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए स्पेशल और पर्टिकुलर फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन्स एंड इट्स सेक्रेटरिएट फैसिलिटेट्स द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दीज रीजन्स। तीसरी स्टेटमेंट है ये जो कन्वेंशन है बॉटम अप अप्रोच के प्रति कमिटेड है और लोकल पीपल के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करवाने की कोशिश करती है ताकि डेजर्टिफिकेशन से लड़ा जा सके। देखो आप पहली स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। देखो बिल्कुल नॉर्मल सी स्टेटमेंट लग रही है, मतलब आम तौर पर कन्वेंशंस में ट्रीटीज में प्रोग्राम्स में स्कीम्स में इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं। देखो होने को तो कुछ भी गलत हो सकता है कुछ भी सही हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे एलिमिनेशन टेक्निक्स की प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। तो बेहतर यही है जब भी मौका मिले यूपीएससी का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखें और थोड़ा बहुत एलिमिनेशन टेक्निक की सहायता से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। अब आप तीसरी स्टेटमेंट देखिए इट इज़ कमिटेड टू बॉटम अप अप्रोच एंकरेजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। देखो आजकल जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना उनमें बॉटम अप अप्रोच की ही बात की जाती है, मतलब कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन की बात की जाती है। टॉप डाउन अप्रोच तो वो हो गई ना कि बंद कमरों में बैठ के ऊपर से डिसीजन लिए गए और हायरार्की में नीचे चलते हुए डिसीजंस को इम्पोज कर दिया गया,
तो आज के समय में जो ये टॉप डाउन अप्रोच है इसे नहीं पसंद किया जाता। आज के समय में विभिन्न प्रोग्राम्स में विभिन्न एक्सपर्ट्स फोकस करते हैं बॉटम अप अप्रोच पर कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है किसी भी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में, किसी भी प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये भी काइंड ऑफ जो बात है बिल्कुल कॉमन सेंस वाली है, नॉर्मल सी बात है। इस बात में गलत होने जैसा कुछ भी नहीं है। गलत होने जैसा है सेकंड स्टेटमेंट में, जहां पे थोड़ा सा फैक्ट दिया हुआ है कि पर्टिकुलरली फोकस ऑन साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। एग्जामिनर ने जो कुछ खेला है वो सेकंड स्टेटमेंट में खेला है, ऊपर की दो स्टेटमेंट्स तो बस स्टेटमेंट्स देने के लिए दी हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट देखो गलत है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो? नीचे की लाइन आप ध्यान से पढ़िए। सेक्रेटरिएट फैसिलिटेट्स द एलोकेशन ऑफ मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू दीज रीजंस। मेजर का मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब क्या होता है? देखो किसी के लिए कोई चीज 60% मेजर काउंट हो सकती है, किसी के लिए 95% मेजर हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने पर ऐसा लगता है जैसे एग्जामिनर ने खुद से ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, और ऊपर की स्टेटमेंट्स देखें तो जैसा लगता है कॉपी पेस्ट करके उठा दी गई हैं। थोड़ा देखो आपको अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके ही थोड़ी सी कॉमन सेंस डेवलप होगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 और 3 यानी सी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल हाइड्रोथेरेपी क्लिनिक फॉर एलिफेंट्स से संबंधित है। पहले आप हाइड्रोथेरेपी का मतलब जान लीजिए। हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है, एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं अर्थराइटिस, जॉइंट पेन या फिर फुट संबंधित जो दूसरे प्रॉब्लम्स होती हैं उनके इलाज के लिए। और अभी फिलहाल हमारी न्यूज़ का कंटेस्ट ये है, एलिफेंट्स के लिए हमारे देश में फर्स्ट स्पेशलाइज्ड हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर ओपन हुआ है मथुरा में। मथुरा में वाइल्ड लाइफ SOS एलिफेंट कंजर्वेशन और केयर सेंटर जो है उसके पास ही ये हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर ओपन हुआ है एलिफेंट्स के लिए, और इसको इस्टेब्लिश किया गया है वाइल्ड लाइफ SOS के द्वारा उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। इस हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर में देखो उन एलिफेंट्स को रखा जाएगा जिनको सर्कस से छुड़वाया गया है, या फिर वो हाथी जिनको छुड़वाया गया है क्रूल ओनर्स के चुंगल से, मतलब ऐसे मालिक जो हाथियों के साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करते थे, उन पर अत्याचार करते थे, लेकिन अथॉरिटीज़ ने उन मालिकों के चुंगल से हाथियों को छुड़वाया है। अब उनको काफ़ी सारे फुट संबंधित प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जॉइंट पेन होता है। ऐसे हाथियों का इलाज होगा इस मथुरा में जो सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है हाइड्रोथेरेपी ट्रीटमेंट सेंटर में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल SIDS यानी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के बारे में है। आप यहाँ पर देखिए स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स क्या कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट देखो ये है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हाल ही में जो रिपोर्ट पब्लिश की गई थी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019, इस रिपोर्ट में कहा गया है क्लाइमेट चेंज के कारण और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण शायद काफ़ी सारे जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव ना कर पाए। SIDS के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो SIDS यानी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को सबसे पहली बार एज ए डिस्टिंक्ट ग्रुप रिकॉग्नाइज किया गया था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में जून 1994 में एक प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था, बारबाडोसा प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ताकि SIDS यानी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को असिस्ट किया जा सके और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे चल सके। देखो ये जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं ना, इनके चैलेंजेस सिमिलर हैं, जैसे बढ़ती हुई पॉपुलेशन, रिपोर्टनेस, नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, तो काफ़ी रिस्क रहता है इन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को। और इनकी जो इकोनमी है वो इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंडेंट है और थोड़ा बहुत टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, लेकिन इन्वायरमेंट जो काफ़ी फ्रेजाइल है वो इनको तंग करता रहता है। कुछ एग्जाम्पल्स की हम बात करें, कोमोरस, गिनी बिसाउ, साउ टोम, प्रिंसिपी, सोलोमन आइलैंड्स, वानुअतु, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सोलोनम प्लास्टिसेक्सम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ऑस्ट्रेलिया और US की साइंटिस्ट की एक टीम ने प्लांट की नई स्पीसीज को डिस्कवर किया है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, और उस प्लांट की नई स्पीसीज का नाम रखा गया है सोलोनम प्लास्टिसेक्सम। ये देखो बुश टोमाटो की एक स्पीसीज है जो नेचुरली मिलती है ऑस्ट्रेलिया के एरिड पार्ट्स में। क्या खास बात है इस सोलोनम प्लास्टिसेक्सम स्पीसीज के साथ,
खास बात देखो ये है, प्लांट की इस स्पीसीज में दोनों मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन ये कोई खास बात नहीं है। ऑलमोस्ट 85% की प्लांट स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें ऐसे फूल मिलते हैं, ऐसे फ्लावर्स मिलते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं। तो फिर खास बात क्या है? देखो 85% प्लांट की स्पीसीज में जो फूल मिलते हैं और वो बाइसेक्सुअल होते हैं, वो एक समय में एक ही सेक्सुअल एक्सप्रेशन के साथ स्टिक करते हैं। मतलब ऑर्गन्स तो मेल और फीमेल दोनों के होते हैं, लेकिन वो चेंज नहीं करते रहते। ऐसा नहीं कि कभी मेल ऑर्गन हावी रहेगा, कभी फीमेल ऑर्गन हावी रहेगा, ऐसा नहीं होता। एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया, उसी सेक्सुअल एक्सप्रेशन के साथ वो स्टिक रहते हैं। लेकिन ये जो नई प्लांट की स्पीसीज हैं, सोलोमन प्लास्टिसेक्सम, इसमें देखो ना सिर्फ मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स हैं, बल्कि ये प्लांट की स्पीसीज जो है अपना सेक्स को चेंज करती रहती है। सेक्स जो है वो मोल्डेबल है। तो ये फर्स्ट ऐसी स्पीसीज है जिसको जेंडर फ्लूइड रिकॉग्नाइज किया गया है। इस स्पीसीज के रिकॉग्निशन से इस बात को भी बल मिलता है। अभी तक देखो ये माना जाता था जो सभी लाइफ फॉर्म्स हैं वो बाइनरी फॉर्म में होती हैं, या तो मेल होंगी या फिर फीमेल होंगी। ये आइडिया फाल्स यानी गलत साबित होता है सोलोनम प्लास्टिसेक्सम के रिकॉग्निशन से। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये देखो एक छोटी सी न्यूज़ है बिहार से संबंधित। बिहार में आपको पता है बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई है। शुरुआत में ये कहा गया था कि उन बच्चों की डेथ हुई है हीट वेव के कारण, और सरकार का ये कहना है पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है बिहार में। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने आदेश दिया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत अब कोई भी पेड़ नहीं गिराएगा। मतलब सरकारी प्रॉपर्टी पर कोई भी पेड़ है उसको गिराने पर, उसको काटने पर रोक लगा दी गई है सरकार के द्वारा। अगर देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई पेड़ है तो उसे काटा जा सकता है, लेकिन सरकारी जमीन पर कोई भी पेड़ है तो अब उसे नहीं काटा जा सकता। ऐसा आदेश दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत। वैसे देखो सिग्निफिकेंट चीज़ ये है, ग्रीन मिशन के अंतर्गत, नेशनल ग्रीन मिशन के अंतर्गत बिहार जो है अपना ग्रीन कवर 7% से 15% तक इंक्रीज करने में कामयाब रहा है। चलते हैं आगे। इंपोर्टेंट आर्टिकल आरोग्य पहचान मिरेकल प्लांट के बारे में है। ये देखो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मेडिसिनल प्लांट है। काफ़ी सारी अच्छी प्रॉपर्टीज़ शो की जाती हैं इस मिरेकल प्लांट के द्वारा, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एफ्रोडिजियक मतलब सेक्सुअल डिजायर्स को स्टिमुलेट करने की प्रॉपर्टी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटी अल्सर, हेपेटोप्रोटेक्टिव। हेपेटोप्रोटेक्टिव मतलब लीवर को डैमेज नहीं होने देता। उसके बाद सबसे लास्ट में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ के कारण इस आरोग्य पहचान प्लांट को मिरेकल प्लांट कहा जाता है। फिलहाल कंटेक्स्ट ये है, यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के साइंटिस्ट ने इस मिरेकल प्लांट के जेनेटिक मेकअप को डिकोड किया है। कहाँ पर मिलता है ये प्लांट? देखो साउथर्न वेस्टर्न घाट के अगस्त्या हिल्स में नेचुरली ये प्लांट मिलता है, और परंपरागत रूप से इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है कनी ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के द्वारा अपनी थकान से निपटने के लिए। आप यहाँ पर देखिए जो कनी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा फैटीग यानी थकान से निपटने के लिए इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करें अगर कनी ट्राइब के बारे में, ट्रेडिशनली देखो कनी ट्राइब के जो लोग हैं वो नोमैडिक पीपल हैं, मतलब घुमंतू लोग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। लेकिन मूल रूप से कहाँ के वो रहने वाले हैं? देखो कनी ट्राइब के जो लोग हैं वो इंडिजिनस हैं वेस्टर्न घाट के अगस्त्या मलाई हिल्स में, जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वहाँ पर मूल रूप से रहने वाले हैं कनी ट्राइब के लोग। इनकी टोटल पॉपुलेशन है 25,000 के आसपास। कनी ट्राइब की एक काफ़ी अच्छी परंपरा है। आसपास के इलाके में जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, अगस्त्या मलाई हिल्स के आसपास के इलाके में जो वाइल्ड प्लांट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है कनी ट्राइब के द्वारा हेल्थ रीजंस के लिए। और कनी ट्राइब का जो फिजिशियन होता है उसे प्लाथी कहा जाता है। प्लाथी के पास सारी नॉलेज होती है प्लांट्स की, और जो टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ट्राइब के द्वारा इलाज करने के लिए उन टेक्निक्स की। और देखो ये प्लाथी के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, यानी कनी ट्राइब के फिजिशियन के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि उस ट्रेडिशनल नॉलेज को आगे कैसे डिसेमिनेट करना है, किसको देना है। और सबसे लास्ट में अगर हम बात करें अगस्त्या हिल्स के बारे में, अगस्त्या हिल्स देखो एक चोटी है, पीक है,
जिसकी हाइट है 1868 मीटर से। कहाँ पर है? केरला में जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में नियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा था अगस्त्यमलाई हिल्स के बारे में। और ये जो पीक है ना, ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। पीक पार्ट है अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का। और ये जो रिजर्व है, ये भी देखो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। इस रेंज की जो ईस्टर्न साइड है, वहां से एक रिवर भी निकलती है जिसका नाम है थम्बीराबरानी रिवर। ये सदाबहार रिवर है जो कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। एक और लास्ट में इंपॉर्टेंट बात, अगस्त्यमाला जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको देखो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की कैटेगरी में डाला गया था मार्च 2016 में यूनेस्को के द्वारा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिटेल से डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल प्लास्टिक वेस्ट को कैप्चर करने के लिए डिवाइस से संबंधित है। देखो पिछले साल जो आइलैंड ऑफ ट्रेस है पैसिफिक ओशन में, ये आइलैंड ऑफ ट्रेस कहाँ पे है? ये देखो कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। यहाँ पर देखो, यहाँ पे है ये आइलैंड ऑफ ट्रेस कैलिफोर्निया और हवाई के बीच में। यहाँ पर बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हुआ है और उस प्लास्टिक वेस्ट को क्लीन करने के लिए 2000 फुट लंबा एक डिवाइस पिछले साल लॉन्च किया गया था। आप डिवाइस की शक्ल देख लीजिए, ये जो डिवाइस है ना, ये 2000 फुट लंबा है और ये आइलैंड ऑफ ट्रेस से प्लास्टिक को क्लीन करने के लिए लॉन्च किया गया था पिछले साल। लेकिन 4 महीने पहले इस डिवाइस में खराबी आ गई, तो अब इस डिवाइस को रिपेयर करके एक बार फिर से काम पर लगा दिया गया है ताकि जो आइलैंड ऑफ ट्रेस है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, वहां से प्लास्टिक को रिमूव किया जा सके। देखो ये जो काम चल रहा है प्लास्टिक को क्लीन करने का, ये ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट का पार्ट है। ओशन क्लीनअप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजीज को डेवलप करती है ताकि वर्ल्ड में ओशंस को प्लास्टिक फ्री बनाया जा सके। एक चीज आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा जाय के बारे में, GYRE। तो पूरे वर्ल्ड में देखो 5 जाय मनते हैं, एक नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, एक साउथ पैसिफिक ओशन में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक ओशन में और इंडियन ओशन में। जाय कैसे बनता है? जब देखो करंट जो है इस प्रकार से रोटेट करना स्टार्ट कर देती हैं, गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती हैं, तो जाय बनता है। बीच में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती, जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बीच में इकट्ठा हो जाता है, समझ गए? तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ओशन क्लीनअप के बारे में। और जाय तो वैसे आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही हो। नेक्स्ट आर्टिकल एशियाटिक लायन की रेडियो कोलरिंग के बारे में है। रेडियो कोलरिंग का मतलब देखो ये है, एशियाटिक लायन के गले में इस प्रकार की एक स्ट्रिप बांधी जाएगी। इस स्ट्रिप में एक स्मॉल रेडियो ट्रांसमीटर होगा। अब देखो ये जो स्मॉल रेडियो ट्रांसमीटर होगा ना, ये सिग्नल भेजेगा ऊपर सैटेलाइट को और वही सैटेलाइट फिर से नीचे अर्थ पर सिग्नल भेजेगा। सासन में, एक गुजरात में सासन एक जगह है, वहां पे एक कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, वहां पर सैटेलाइट के द्वारा सिग्नल भेजे जाएंगे। फायदा इस रेडियो कॉलरिंग से ये होगा, सासन में जो ये कंट्रोल सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, इस कंट्रोल सेंटर में सारी मूवमेंट की जानकारी मिलती रहेगी कि जो एशियाटिक लायन हैं ग्रुप्स में कहां कहां पर घूम रहे हैं, उनकी मूवमेंट का पैटर्न क्या है, वो कहां पर कौन से हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी सरकार, उतनी ही बेहतर पॉलिसीज बना सकेगी, उतने बेहतर प्रोविजन कर सकेगी एशियाटिक लायन के प्रोविजन के लिए। आपको याद होगा पिछले दिनों एक वायरस, कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, इस वायरस के इन्फेक्शन की वजह से ऑलमोस्ट 20 से ज़्यादा एशियाटिक लायंस की डेथ हो गई थी। इसी वजह से सरकार ने ये प्रोविजन करने का फैसला लिया है कि एशियाटिक लायंस के गले में ये रेडियो कॉलर लगाया जाए, इससे एशियाटिक लायंस की मूवमेंट पैटर्न्स का, टेरिटरीज का और हैबिटेट प्रेफरेंसेस का पता लगेगा। हम जानकारी डिस्कस करें एशियाटिक लायन के बारे में। एशियाटिक लायन देखो अफ्रीकन लायन से साइज में थोड़े से छोटे होते हैं। पहले ये टर्की तक में मिलते थे और एशिया में भी काफ़ी सारे रीजन्स में मिलते थे, ईस्ट इंडिया में भी मिलते थे, लेकिन अब एशियाटिक लायंस मिलते हैं सिर्फ गुजरात में, गिर नेशनल पार्क और आसपास के प्रोटेक्टेड एरियाज में एशियाटिक लायन देखने को मिलते हैं। टोटल एशियाटिक लायंस की संख्या है 523।
ये कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे एशियाटिक लायंस मिलते हैं, सभी गुजरात में हैं। गिर सेंचुरी, गिर नेशनल पार्क, पनिया सेंचुरी, उसके बाद मिटियाला, गिरनार प्रोटेक्टेड एरिया, ये गिर कंजर्वेशन एरिया से कुछ ही दूरी पर है। एशियाटिक लायंस को देखो, खतरा है पोचिंग का और इनका जो हैबिटेट है काफ़ी फ्रेगमेंट हो रहा है। जैसे इतना एरिया बीच में ह्यूमन पॉपुलेशन आ गई, फिर इतना एरिया फिर ह्यूमन पॉपुलेशन आ गई, तो एशियाटिक लायंस के हैबिटेट का काफ़ी फ्रेगमेंटेशन हुआ है। दूसरी थ्रेट्स की बात करें, इंक्रोचमेंट, जंगल में आग लगना, नेचुरल कैलमिटीज़ जैसे बाढ़ आ जाना, ग्रेजिंग, फ्यूल वुड को कलेक्शन किया जाता है लोकल विलेजर्स के द्वारा, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब दूसरे थ्रेट्स हैं एशियाटिक लायंस को। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल वन में आता है एशियाटिक लायन। साइट्स जो कन्वेंशन है इंडेंजर्ड स्पीसीज के इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, इस कन्वेंशन के अपेंडिक्स वन में आता है एशियाटिक लायन। IUCN की रेड लिस्ट में स्टेटस है इंडेंजर्ड, और हाल ही में एशियाटिक लायन को कंजर्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था, एशियाटिक लायन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। चलते हैं आगे, स्टार्ट कल इंप्रेस्ड टोर्टोइस के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने इंप्रेस्ड टोर्टोइस को डिस्कवर किया है आंध्र प्रदेश में। देखो, टोर्टोइस यानी कछुए की ये जो स्पीसीज है, इससे पहले इंडिया में नहीं देखी गई है। ये कछुए की स्पीसीज मिलती है साउथ ईस्ट एशिया में, जैसे बर्मा, साउथ ईस्ट चाइना, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, लेकिन पहली बार कछुए की इस स्पीसीज को देखा गया है इंडिया में। नाम है इंप्रेस्ड टोर्टोइस, साइंटिफिक नेम है मनोरिया इम्प्रेसा। कछुए की इस स्पीसीज के स्किन और सेल का जो कलर है वो देखो गोल्डन ब्राउन है। IUCN की रेड लिस्ट में इंप्रेस्ड टोर्टोइस आता है वल्नरेबल कैटेगरी में। देखो, मनोरिया जीनस के अंतर्गत कछुए की दो स्पीसीज आती हैं, एक तो ये इंप्रेस्ड टोर्टोइस और दूसरा है एशियन फॉरेस्ट टोर्टोइस। ये जो इंप्रेस्ड कछुए का साइज है ना, एशियन फॉरेस्ट कछुए से रिलेटिवली छोटा है। पहले इंडिया में देखो मनोरिया जीनस के तहत सिर्फ एक कछुआ मिला करता था, एशियन फॉरेस्ट टोर्टोइस, लेकिन अब रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है इस जीनस के अंदर सेकेंड कछुए को, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में लोअर सुबानसरी डिस्ट्रिक्ट में जो याजली एरिया है वहाँ पे इंप्रेस्ड टोर्टोइस को डिस्कवर किया गया है। लास्ट इम्पोर्टेंट बात, एशियन फॉरेस्ट टोर्टोइस जो है ये देखो लार्जेस्ट है मेनलैंड एशिया में, और ये इंडिया में मिलता है सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल जॉइंट एफर्ट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ एट बांदीपुर से संबंधित है, क्या कंटेस्ट है। देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन तीन राज्यों के जो सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनकी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। कहाँ पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, बांदीपुर कर्नाटक में। मकसद क्या था तीन राज्यों के सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाने का, मकसद देखो ये था कि तीनों स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मिलकर प्रयास करें और काफ़ी सारे कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में एक इन्वेसिव प्लांट है जिसका नाम है सेना स्पेक्टाबिलीज। ये जो इन्वेसिव प्लांट है ना, काफ़ी खतरा साबित हो रहा है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए, तो इस प्लांट से निपटने के लिए तीनों राज्यों के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मिलकर रणनीति तैयार करें। इसके अलावा वल्चर जो पॉपुलेशन है, इंडेंजर्ड वल्चर पॉपुलेशन, उसको कंजर्व करने के लिए भी कोऑर्डिनेशन किया जा सके तीन स्टेट्स के द्वारा। और इसके अलावा रेडियो कॉलर जो एनिमल्स हैं उनकी मूवमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके, फॉरेस्ट फायर्स को रोका जा सके और वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स पर लगाम लगाई जा सके। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए तीन स्टेट के फॉरेस्ट जो सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई गई नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा बांदीपुर कर्नाटक में। हम बात करें अगर बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में, ये टाइगर रिजर्व देखो फॉर्म में आया था 2007 में। ये साउथ इंडिया का लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है और साउथ एशिया में लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एलिफेंट है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व के साथ लगते प्रोटेक्टेड एरियाज की बात करें तो इसी टाइगर रिजर्व के साथ लगता नागरहोल नेशनल पार्क, मुदुमुलाई नेशनल पार्क और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये जो टाइगर रिजर्व है ना, एक प्रकार से तीन स्टेट्स के जंक्शन पे है, तीन स्टेट्स के बॉर्डर पे है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। मतलब इन तीन स्टेट्स का बॉर्डर जहां पे मिलता है वहीं पर है ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व, और ये क्वेश्चन UPSC के द्वारा पूछा जा सकता है। एक रिवर जो ओरिजिनेट होती है नीलगिरी माउंटेन रेंज से पैकारा के पास, मोयर रिवर,
ये जो रिवर है ना, बांदीपुर टाइगर रिजर्व में 20 किलोमीटर तक मिंडरिंग करती है, मतलब इस प्रकार से घूमती है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल प्लास्टिक पार्क से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? सरकार ने देखो 4 प्लास्टिक पार्क्स को इस्टाब्लिश करने के लिए अप्रूवल दिया है। ये 4 प्लास्टिक पार्क्स इस्टाब्लिश किए जाएंगे असम के तिनसुकिया में, मध्य प्रदेश के रायसेन में, उड़ीसा के जगत सिंहपुर में, तमिलनाडु के थिरुवल्लूर में। देखो प्लास्टिक पार्क्स एक प्रकार से डेडिकेटेड जोन होता है प्लास्टिक बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। इस डेडिकेटेड एरिया में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ को, जैसे हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, इंसिनरेटर, बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट्स मशीनरी, ट्रेनिंग, इनक्यूबेशन, नॉन डिस्ट्रक्टिव मटेरियल टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें, और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होंगे ताकि वेस्ट को ठीक से मैनेज किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके। जो ये प्लास्टिक पार्क इस्टाब्लिश किए जाएंगे, इनको ऑपरेट करने के लिए देखो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप किया जाएगा, और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल सेटअप किया जाएगा वो एक प्रकार से इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा प्लास्टिक पार्क की गवर्नेंस के लिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा सभी तरह की स्टैचुरी अप्रूवल के लिए, इवन इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्लास्टिक पार्क्स के बारे में, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल प्लास्टिक क्रस्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो मरीन एंड इन्वायरमेंटल साइंस सेंटर के साइंटिस्ट ने एक नए टाइप के प्लास्टिक पोल्यूशन को डिस्कवर किया है, और इस प्लास्टिक पोल्यूशन को नाम दिया गया है प्लास्टिक क्रस्ट। प्लास्टिक क्रस्ट क्या है? ओशन रॉक्स पर पॉलीथीन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक है, तो इस प्लास्टिक की ये जो पापड़ी जम जाती है ओशन रॉक्स पर ब्लू और ग्रे कलर की, इसी को नाम दिया गया है प्लास्टिक क्रस्ट। सबसे पहले देखो इस प्लास्टिक क्रस्ट को डिस्कवर किया गया था 2016 में, एक वोल्केनिक पुर्तगाली आइलैंड है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में जिसका नाम है मेडिरा, वहां पर सबसे पहले ब्लू और ग्रे कलर के प्लास्टिक पैचेस को देखा गया था और नाम दिया गया था प्लास्टिक क्रस्ट। फिर से बोलता हूं, ओशन रॉक्स पर इस प्रकार की देखो पॉलीथीन की जो पापड़ी जमा मिलती है, इसी पॉलीथीन की पापड़ी को नाम दिया गया है प्लास्टिक क्रस्ट। अभी तक देखो ये तो पूरी तरह से पता नहीं लगा है इस प्लास्टिक क्रस्ट के क्या पोटेंशियल नुकसान हो सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है एनिमल्स पे और दूसरी वाइल्ड लाइफ पे प्लास्टिक क्रस्ट का जरूर इफेक्ट होगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल है हमारा वो जल शक्ति मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट करिएगा, मिनिस्ट्री है यहाँ पे। जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट की गई है जिसको हम लोग जल शक्ति मंत्रालय के नाम से भी जान रहे हैं। बेसिकली इसमें क्या हुआ है कि 2-3 मिनिस्ट्रीज हैं जिनको मर्ज कर दिया गया है, मिनिस्ट्रीज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, दूसरी रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, और ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये 3 मिनिस्ट्रीज थी जिनको एक साथ मर्ज करके जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाई गई है। इस मिनिस्ट्री का मेन स्कीम या फिर हम बोलें कि जो मेन मोटिव है, मेन एम है, वो पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर को सभी हाउस होल्ड में पहुंचाने का है। यहाँ पर जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया है, इसमें इसके अंदर में हम लोग नल से जल स्कीम को देख रहे हैं। अब क्या होगा कि ये जो टैप वाटर है, ये टैप वाटर सभी हाउस होल्ड में प्रोवाइड हो जाए 2024 तक, इसी के रेस्पेक्ट में ये मिनिस्ट्री काम करेगी। इसके अलावा ये कुछ ऐसे इंटरनेशनल और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को भी रिजॉल्व करने का काम करेगी, जैसे कि अभी हमने देखा कि एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा था जो कि एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव थी रिवर गंगा को क्लीन करने के लिए, और रिवर गंगा के साथ साथ जो भी उसकी ट्रिब्यूटरीज और सब ट्रिब्यूटरीज थे उनको भी क्लीन करने का काम करता था। तो ऐसे जो भी डिस्प्यूट्स इन सबसे रिलेटेड हो गए, इन सबके लिए भी ये जल शक्ति मिनिस्ट्री काम में आएगी। अगला आर्टिकल हमारा न्यू स्पीसीज ऑफ वास्प से रिलेटेड है। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये वास्प और बीस, ये दो चीज़ें होती हैं, आखिरकार इनमें अंतर क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, बीस जो होती हैं इन दोनों के पास, मतलब वास्प और बीस, इन दोनों के पास काटने की क्षमता होती है, मतलब ये स्टिंग जो भी इनका आता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, और बीस जो है लेकिन ये केवल अगर हम इनको छेड़ते हैं तब ये हमें काटती हैं, लेकिन वास्प जो होती है ये और खतरनाक प्रीडेटर होती है, ये बिना छेड़े भी आपको काट सकती है। बीस की स्किन थोड़ी हेयरी नेचर की होती है, लेकिन वास्प की स्किन थोड़ी शाइनी और चिकनी होती है, तो थोड़ा वास्प से आप बच के रहिएगा। न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि हमने एक नई स्पेसीज पाई है गोवा में जो कि कुदा क्रूमिया जीनस से बिलोंग करती है। ये नया वास्प जो अभी मिला है ये हमको कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिला है जो कि वेस्टर्न घाट में प्रेजेंट है। जो ये वास्प है ये कुदा क्रूमिया रंगने कारी
जो इसका एक कैटेगरी लॉन्च किया गया है, इसमें इसको नाम इस हिसाब से दिया गया है कि यहाँ पर एक गोवा बेस्ड रिसर्चर है जिनका नाम है पराग रग्नेकार, इन्हीं के नाम पे कूड़ा क्रोमिया रग्नेकारी नाम इसको दिया गया है। ये जो जीनस है इसमें जो भी प्रिमिटिव वास्प होते हैं ये पहले केवल और केवल श्रीलंका में ही पाए जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर गोवा में भी मिला है, तो इसलिए ये थोड़ा एक नया डिस्कवरी है यहाँ के लिए। ये जो भी इंसेक्ट हैं ये हाइमेनोपेट्रा या फिर हम बोलें एपोक्रिटावे, इन दोनों के जीनस में पाए जाते हैं या सब ऑर्डर हैं इन सब के। और ये जो वास्प है ये पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम आता है, मतलब कि अगर हमको क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना है तो हम इन वास्प को डिप्लॉय कर सकते हैं उस खेत में। कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये कहां पर प्रेजेंट है, तो एक बार थोड़ा मैप में देख लेते हैं। गोवा के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में अगर हम जाएं, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कनाकोना, ये वाला डिस्ट्रिक्ट, और ये जो सबसे ग्रीनेस्ट पोर्शन आपको दिख रहा है ये है कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है जहां पे बहुत ही लंबे लंबे पेड़ मिलते हैं, इन पेड़ की हाइट 30 मीटर तक भी चली जाती है, और इसमें बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं जैसे कि फ्लाइंग स्क्वायरल है, स्लेंडर लॉरिस, इंडियन पेंगोलिन, माउस डियर, और ऐसे जितने भी यहां पर एनिमल्स लिखे हैं ये तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें यहां से एक बार पढ़ सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा सेल्फी विथ सैपलिंग के साथ है। ये इनिशिएटिव स्टार्ट की गई हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा, उन्होंने सबसे पहला पोस्ट लॉन्च किया, मतलब इस तरीके से कि सेल्फी विद सैम्पलिंग हैशटैग कंपेन स्टार्ट किया उन्होंने, और इसके साथ उन्होंने इस बात की लोगों को प्रेरणा दी कि आप 5th जून को, जो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, आप इस दिन कम से कम कोई एक पेड़ जरूर से लगाओ, और इसका सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया गया। तो 5th जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं और ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर में सेलिब्रेट होता है, मतलब यूएनईपी का एक पार्ट है। ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1973 में, और इस बार का जो थीम रहा है 45th वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे का वो है बीट एयर पोल्यूशन, मतलब एयर पोल्यूशन को हमको पूरी तरीके से खत्म करना है, कॉम्बैट करना है, और हमें फ्रेश एयर में सांस लेना है। इसी की बात इस बार 45th वर्ल्ड एनवायरमेंट डे पे की गई। इस बार का जो होस्ट है वो चाइना है। आर्टिकल हमारा ओसुडू लेक से है, ये थोड़ा सा अजीब नाम है लेकिन ये हमारे इंडिया का ही है, और ये ओसुडू लेक जो है ये पौंडीचेरी से लगभग लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा कंसर्न सामने आया है, इसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वाटर बॉडीज होती हैं इसमें प्लास्टिक पोल्यूशन का लेवल जो है ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट स्टडी हुआ यहाँ पर, जिससे ये पता चला कि जो भी प्लास्टिक बैग्स, थर्मोकोल, कप्स, प्लेट्स, पाइप्स, बॉटल्स, ये सब जो भी हैं ये कैनाल्स को अपना डंपिंग ग्राउंड बनाने, अब डंपिंग ग्राउंड जब इन्होंने बना लिया है तो बहुत सारी पोल्यूशन जो होती हैं ऐसे लेक्स और रिवर्स में फ्लो होकर आती हैं। ओसुडू लेक जो है एक काइंड ऑफ मैन मेड लेक है, और अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि क्या ये याद करना चाहिए कौन सा मैन मेड है कौन सा नेचुरल है, तो बिल्कुल याद करना चाहिए, यूपीएससी इस पे ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, कि स्टेटमेंट में डाल देता है अगर ऐसा बोल देगा ओसुडू लेक के लिए कि ओसुडू लेक इज ए मैन मेड लेक, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैन मेड लेक ही है। यहां पर क्या हुआ कि ये जो ओसुडू लेक है इसका इंपॉर्टेंस इस लेवल पर भी हम जा सकते हैं कि आईयूसीएन में ये अपना एक इंपॉर्टेंट रखता है, पूरे एशिया का एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड में काउंट किया जाता है। साथ ही साथ अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें बेसिकली वाटर, वेटलैंड और मड फ्लैट्स मिलते हैं। ये सिंगल लार्जेस्ट कैचमेंट फ्रेश वाटर का है पुडुचेरी में, और वेजिटेशन की भी बात करें तो यहाँ पर जो भी लेक है इसमें बहुत ही रेंजेस में स्मॉल हर्ब्स और ट्रीज प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे माइग्रेटरी एविफोना स्पीसीज भी आते हैं जो कि समर और विंटर के टाइम पर कुछ ऐसे नेटिव बर्ड्स भी होते हैं, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी होते हैं जो कि यहाँ पर आके रिसाइड करते हैं, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट लेक है। अगला आर्टिकल हमारा पार्थेनोजेनेसिस से है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब पार्थेनोजेनेसिस होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। हम रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो हमें पता है कि कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं तो इसमें मेल और फीमेल दोनों का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस एक काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है जिसके अंदर जो भी फीमेल है वो अपना ही एक पार्ट प्रोड्यूस कर, मतलब कि अपना ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उसके बाद भी ये रिप्रोड्यूस कर देती है। जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस का एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है वर्जिन एनाकोंडा के लिए। अब पार्थेनो वर्ड ही जो है ये वर्जिन को डिनोट करता है और जेनेसिस मतलब प्रोडक्शन या फिर डेवलपमेंट। तो जेनेसिस हुआ, वर्जिन जेनेसिस हुआ, मतलब यहाँ पर देखा गया कि न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम में एक यूएस मेल एनाकोंडा था, मतलब बिना किसी मेल एनाकोंडा के द्वारा ही वर्जिन एनाकोंडा ने एक नए एनाकोंडा को जन्म दिया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बात ये हुई कि ये कॉमन है लोअर प्लांट्स और इनवर्टेब्रेट एनिमल्स में, जैसे कि रोटिफर्स हैं, एफिड्स हैं, एंट्स हैं, वास्प और बीज हैं, और
हायर वर्टेब्रेट्स के अंदर भी ये पार्थेनोजेनेसिस वाले प्रोसेस देखने को मिलते हैं। नॉर्मल प्रोसेस पे हमने बात किया कि हमें क्या पता होता है कि फीमेल्स के द्वारा एक कंट्रीब्यूट किया जाएगा और मेल्स के द्वारा स्पर्म कंट्रीब्यूट किया जाएगा, जब भी इनका फ्यूजन होगा तब जाके रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक अनफर्टिलाइज्ड एग सेल भी एम्ब्रियो में डेवलप हो सकता है। कुछ और बातें करें पार्थेनोजेनेसिस की, तो ऐसे बहुत सारे स्पेसीज हैं जो कि पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में भी कभी कभी ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिल जाते हैं। तो कभी अगर यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछता है कि पार्थेनोजेनेसिस के जितने भी स्पेसीज होते हैं वो केवल और केवल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं जो कि नॉर्मल तरीके से हम देख सकते हैं कि लगभग 2000 स्पेसीज हैं जो कि अभी पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, और इसमें जो भी बेबीज बॉर्न होते हैं वो अपने मदर के बिल्कुल क्लोन होते हैं। इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि पार्थेनोजेनेसिस में जरूरी नहीं है कि केवल फीमेल ही पार्थेनोजेनेसिस करे, मेल जो भी है वो भी पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ये बेबीज को पैदा कर सकता है। ठीक है, अब ये जो बिल्कुल क्लोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पर किसी भी दो डीएनए का फ्यूजन नहीं है, जैसी मदर होगी बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू क्लोन पैदा होगा बेबीज के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें कोई भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है, इसीलिए ये जो है बिल्कुल क्लोन के फॉर्म में बेबीज प्रोड्यूस होते हैं। आज का हमारा हुलॉक गिबन से रिलेटेड है, ये न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि हुलॉक गिबन अरुणाचल प्रदेश के विलेज में पाया जाता है और यहाँ के जो भी लोकल्स लोग हैं वो हुलॉक गिबन को कंजर्व करने के लिए एक कॉरिडोर को बना रहे हैं। इस कॉरिडोर में गिबन फ्रेंडली ट्रीज को प्लांट कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या कि जो भी एर्बोरियल स्पेसीज हैं इनके, उनको एक नेचुरल हैबिटेट जैसी फीलिंग आएगी और इनको हम कंजर्व भी कर पाएंगे। बात करें हुलॉक गिबन की, तो ये ईस्टर्न बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, साउथ वेस्ट चाइना के नेटिव्स हैं। ये आईयूसीएन रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं और ये बेसिकली मिशमी हिल्स में कंसंट्रेटेड है। ये मिशमी हिल्स जो है ये अरुणाचल प्रदेश में देख मिलता है, इसको अभी मैप में भी हम देख लेंगे, और यहाँ पर ये पाए जाते हैं, इसीलिए इनको कभी कभी मिशमी हिल्स गिबन्स भी बोल दिया जाता है। ये मिशमी हिल्स में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है महादेव, जो कि दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, यहीं पे ये सारे गिबन्स पाए जाते हैं। थोड़ा सा मैप में इनको देखते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। हम देखें अरुणाचल प्रदेश का ये मैप है और मिशमी हिल्स की बात करें तो ये रहा मिशमी हिल्स, और यहीं पे ये लोग कंजर्वेशन के लिए ट्रीज प्लांट कर रहे हैं जो कि गिबन फ्रेंडली है। दिबांग वैली है ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ का, और यहीं पर महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कल हमारा एमिशन ट्रेडिंग स्कीम से रिलेटेड है, इसमें क्या हो रहा है, गुजरात हमारे कंट्री का ऐसा पहला स्टेट बन गया है जो कि ट्रेडिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है, जिसके थ्रू हम लोग एयर पोल्यूशन को और जो भी हम पार्टिकुलेट मैटर की बात करते हैं उनको हम लोग डील कर सकते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019 के दिन इसको लॉन्च किया गया है। इसको एक बार समझते हैं कि ये है क्या। ये प्रोग्राम जो है ये मार्केट बेस्ड सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि अगर हम इस फिगर को देख रहे हैं तो यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन हमें बताता है कि हमने इस लाइन पर एमिशंस को कैप कर दिया। यहाँ पर दो इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्री का नाम ए है, इस इंडस्ट्री का नाम बी है, इसने इतना, और ये परमिट लाइन है हमारी जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं, तो ये परमिट लाइन के नीचे रहा है एमिशंस के नाम पे और ये परमिशन लाइन के ऊपर रहा है, तो इसने कम किया है तो इसके पास कुछ एक्स्ट्रा परमिट बच गए जो कि ये और एमिट कर सकता था लेकिन इसने नहीं किया, और इसने जरूरत से ज्यादा एमिशन कर लिया है, तो अब ये जो एक्स्ट्रा एमिशन है इसकी ट्रेडिंग होगी, और जितना इसने अनयूज्ड परमिट्स रखा है इसको हम लोग क्या करते हैं, जो भी नेशनल एक्सचेंज होते हैं उनमें हम इनको ट्रेड कर सकते हैं। तो जो भी बी कंपनी है वो ए कंपनी से ऐसे अनयूज्ड परमिट्स खरीद लेगा और इसके चलते जो भी कैप है वो उसके बेसिस पर दिखा सकता है कि भाई अगर यहाँ पर हमने कैप रखा था 100 पे, इसने प्रोड्यूस किया 60 और इसने प्रोड्यूस किया 120। अब इसको 20 अनयूज्ड परमिट्स जो है वो इससे खरीदना पड़ेगा क्योंकि इसके पास 40 अनयूज्ड परमिट्स हैं, तो ये 20 अनयूज्ड परमिट ये खरीद लेगा और ये दोनों ही, ये जो भी हमने परमिट लिमिट का कैपिंग किया है उसके अंदर में आ जाएंगे। तो ये गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, इसमें बहुत ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की भी हेल्प ली गई है, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं जैसे कि एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर एट येल यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारे दूसरे यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल हैं। ये बात करें कि आखिरकार ये काम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उस सिटी का एग्जामिनेशन करते हैं और हम एक टोटल मास ऑफ पोल्यूशन को डिफाइन करते हैं कि भाई इतना जो पोल्यूशन का लेवल है उसके ऊपर फैक्ट्रीज, ओवरऑल जितने भी फैक्ट्रीज, मान लीजिए 10 फैक्ट्रीज हैं, 15 फैक्ट्रीज हैं, 100 फैक्ट्रीज हैं, ये 100 फैक्ट्रीज इतना लेवल ऑफ पोल्यूशन के अलावा एमिट नहीं कर सकते हैं, तो ये लेवल पहले फिक्स करना है हमें। उसके बाद एक बार परमिट सेट हो गई
तो हम क्या करते हैं, उस अमाउंट ऑफ पोल्यूशन को बाकी कंपनी 100 कंपनीज के बीच में मान लीजिए हम बांट देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि सभी को बराबर बराबर हिस्से मिले, या फिर उनके साइज या फिर जो भी दूसरा रूल है उनके बेसिस पर हम उनको एक लिमिट फिक्स कर देते हैं कि कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, तो इनका ये लिमिट है, इस कैप के ऊपर ये ए कंपनी पोल्यूशन इमिट नहीं कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जिसने ज्यादा किया, जिसने कम किया है, जिसने कम किया है वो अपनी अनयूज्ड परमिट्स को ऐसे एनसीडेक्स पे कमोडिटी के तौर पे बेच और खरीद सकते हैं। अगला आर्टिकल हमारा इंडियन नेवी एनवायरमेंट कंजर्वेशन रोडमैप से है। इसमें बेसिकली नेवी ने एक इको फ्रेंडली प्रोग्राम को और ज्यादा तरीके से इंफोसाइज करने की बात की है। इसके अंदर इंडियन नेवी एनवायरमेंट कंजर्वेशन रोडमैप तैयार किया गया है। अब ये रोडमैप कुछ स्पेसिफिक एक्शन प्लान्स के चलते हमें ऑपरेशन बताएगा, किस हिसाब से हमें ये नेवी के ऑपरेशंस करने चाहिए, इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे एडमिनिस्टर करना चाहिए, और जो भी कम्युनिटी लिविंग है इसके अंदर की या इसके आसपास की जो भी मैरीन इकोसिस्टम है उनका कैसे अफेक्ट ये शिप वगैरह ना करें, और साथ ही साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होना चाहिए, मतलब जो भी है वो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को हमेशा ध्यान में रखते हुए बात करेंगे हम। ये रोड मैप जो है ये एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने की बात करता है, और जो भी एनर्जी सप्लाई है उसमें डाइवर्सिफिकेशन की बात करता है, मतलब कि ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जैसे कि सोलर एनर्जी है, तो इन सब का भी हम यूज कर सकते हैं ऐसे शिप्स को चलाने के लिए जिससे कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में हमें हेल्प मिलेगी। इनके अलावा हम सोलर फोटोवोल्टाइक का भी यूज करेंगे। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी INECR है वो इनको यूज करके इन्वायरमेंट को कंजर्व करने काम करेगा, और साथ ही साथ बायोडीजल्स के भी यूज के लिए प्रमोशन दिया गया है, जैसे कि हाई स्पीड डीजल्स वगैरह हैं इनको भी नेवी के जो अभी पुराने वाले ये हाई स्पीड डीजल्स हैं उनको रिप्लेस करके ऐसे बायोडीजल्स यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल GM कॉटन के बारे में है। अभी अभी एक न्यूज आई है, अकोला नाम की जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे बहुत सारे फार्मर्स ने मिलके HTBT कॉटन की प्लांटिंग की। ये जो HTBT कॉटन है ये BT कॉटन का एक वेरिएंट है, हाइब्रिड वेरिएंट है। हाइब्रिड वेरिएंट क्यों है, क्योंकि ये एक हर्बिसाइड टॉलरेंट है। कौन से हर्बिसाइड से टॉलरेंट है, ग्लाइफोसेट नाम के। तो ये ग्लाइफोसेट नाम का एक हर्बिसाइड होता है जिसको डालने से वीड्स मर जाते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो HTBT कॉटन की वेराइटी है ये हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट से टॉलरेंट है, और फार्मर्स इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स का कहना है कि हमारी डी वीडिंग की कॉस्ट बच जाती है। इस पूरे प्रोसेस में प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जो हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है HTBT कॉटन, इसको अभी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की एसेंट नहीं मिली है, तो बेसिकली दिस इज इलीगल। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अभी अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने एक हिदायत दी है कि भैया ये आप इलीगल हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी ऑफ BT कॉटन है, इसका कल्टीवेशन बंद करवाइए। लेकिन फार्मर्स तो ये बोल रहे हैं कि हम तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी डी वीडिंग की कॉस्ट बच रही है। अब अगर लॉ का एंगल लेके आया जाए तो इसका एक्शन क्या हो सकता है। एक्शन ये हो सकता है फ्रेंड्स कि जो अनअप्रूव्ड GM सीड्स होती हैं, जिनको अप्रूवल नहीं मिला है, अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर कोई अनअप्रूव्ड GM सीड्स का इस्तेमाल कर रहा है, उनको बेच रहा है, उनको स्टोर करके रख रहा है या उनसे प्लांटिंग कर रहा है, तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 1,00,000 का जुर्माना हो सकता है। ये लॉ कहता है किसके हिसाब से, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से। फिर उसको सजा करी जा सकती है, एक सीड एक्ट है 1966 का, उसके अंदर भी उस पर्टिकुलर पर्सन को सजा दी जा सकती है, और एक कॉटन एक्ट है 1957 का, उसके अंदर भी सजा दी जा सकती है। तो ये तो हो गए लीगल प्रोविजंस। अब थोड़ा बहुत हम लोग BT कॉटन के बैकग्राउंड में चलते हैं फ्रेंड्स, BT कॉटन जानने के लिए। है क्या चीज फ्रेंड्स ये BT कॉटन? शुरू शुरू में क्या हुआ, जब हम लोग आजाद ये 1600-1700 की टाइम की बात कर रहा हूं मैं, उस समय कॉटन का प्रयोग होता था फ्रेंड्स, और कॉटन का प्रयोग पूरे देश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से उसे उगाया जाता था, उस जगह की टेम्परेचर को देख के, उस जगह की वाटर अवेलेबिलिटी को देख के, क्लाइमेट वेदर को देख के। जब ब्रिटिशर्स आए तो ब्रिटिशर्स को कॉटन चाहिए था बहुत मास स्केल पे, क्योंकि उनकी मिल्स चली थी ब्रिटिश में, तो उस समय पे 1750 के टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, उनको कॉटन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लैंकाशायर मिल्स में, इंग्लैंड के मिलों में कॉटन चाहिए था। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि भाई बर्बन नाम का कॉटन हम उगाएंगे। बर्बन नाम के कॉटन को इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने कब, 1797 में। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये बर्बन नाम का कॉटन को पूरे देश में ब्रिटिशर्स ने बिना किसी प्लानिंग के शुरू कर दिया, काफी दिन तक पैदावार वगैरह हुई, लेकिन ये बर्बन नाम का कॉटन
में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बाद में इस्तेमाल किए जाने लगे, चूंकि ये पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं था। जरा सा भी वेदर खराब होता था, कॉटन की फसल बेकार हो जाती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें पेस्ट लग जाते थे। इंडिपेंडेंस के बाद भी ये प्रॉब्लम आने लगी, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड का यूज हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इसका क्या सॉल्यूशन है, क्योंकि एक पेस्ट बहुत ज्यादा परेशान करता था उस समय पे, बॉलवर्म पेस्ट, BOLLWORM, ये पेस्ट बहुत ज्यादा कॉटन की क्रॉप्स को परेशान करता था, इसलिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 2002 में बीटी कॉटन। और बीटी कॉटन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन बन के हमारे सामने आया एकदम से। आप देखेंगे कि 2003-04 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हो गया कॉटन का वर्ल्ड में, और सेवेंथ बिगेस्ट एक्सपोर्टर हो गया। यानी कि 2002 में बीटी कॉटन का इंट्रोडक्शन हुआ और 2003-04 में दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा कॉटन का प्रोड्यूसर बन गया इंडिया, और सातवें नंबर का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया। तो एकदम से बीटी कॉटन ने अपना असर दिखाया, लेकिन ये असर बहुत लंबा नहीं था। आज की डेट में आप देखें फ्रेंड्स, कॉटन, बीटी कॉटन की क्रॉप्स को भी बहुत सारे पेस्ट अटैक करते हैं। कहा जाता है कि मॉनसून सीजन में बीटी कॉटन की फार्मिंग नहीं की जा सकती, बहुत से प्रॉब्लम्स आ गए बीटी कॉटन में। तो उसके और दूसरे हाइब्रिड वैरायटीज को लाने की बात की जा रही है, और एक हाइब्रिड वैरायटी ये HT BT कॉटन है, जिसको अभी भी अप्रूवल नहीं मिला है GEAC का। ठीक है फ्रेंड्स, अब HT BT कॉटन है क्या? तो देखिए, जो नॉर्मल बीटी कॉटन होता है फ्रेंड्स, उसमें एक सॉयल बैक्टीरियम होता है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। इससे आप दो जीन्स निकालते हैं, एक जीन निकालते हैं आप CRY1AC और एक जीन निकालते हैं आप CRY2AB, और इसको आप डाल देते हो कॉटन के जेनोम में, जिससे आपका GM कॉटन बन जाता है, जिसको आप बोलते हो बीटी कॉटन, जिसको 2002 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। अब ये HT BT कॉटन जो है, जिसको आप BG Cotton 3 भी बोलते हैं, इसमें एक और जीन जुड़ गया है। वो जीन कौन सा है? CP4EPSPS, और ये कौन से बैक्टीरियम से आया है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन से। इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने अभी भी एसेंट नहीं दिया है। जो क्रिटिक्स, जो स्पेशलिस्ट काम करते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स के फील्ड में, उनका ये कहना है फ्रेंड्स कि देखिए, जेनेटिक मॉडिफाइड जो भी प्रोडक्ट्स है, उनका जो प्रयोग है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत बड़े हो सकते हैं, और उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स तो ऐसे होते हैं कि उन साइड इफेक्ट्स को सामने आने में समय लगता है, कभी कभी जनरेशन लग जाते हैं। इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो HT BT कॉटन है, जिसकी बात हुई थी, ये ग्लाइफोसेट को टॉलरेट कर सकता है। ये ग्लाइफोसेट एक हर्बिसाइड की वैरायटी है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने इसको असेंट दी नहीं है। फार्मर्स को डीवीडिंग की कॉस्ट बच रही है, इसलिए वो इसकी पैदावार कर रहे हैं। आगे क्या होने वाला है ये समय बताएगा। तो ये फिलहाल के लिए इशू था। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये अप्रेजल कमेटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है, एपेक्स बॉडी है। काम क्या है इसका? कि भाई, लार्ज स्केल पे जो हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और रिकॉम्बिटेंट्स हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल एंगल से इनका रिसर्च पर्पसेस में, इंडस्ट्रियल पर्पसेस में यूज, और साथ साथ एग्रीकल्चर में यूज को रेगुलेट करना। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी एक एक्सपर्ट बॉडी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिकॉम्बिटेंट, जो जेनेटिकली नए चीजें बनाई जाती हैं, उन पर अच्छी खासी रिसर्च करके, फील्ड में उनका कई बार प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके, फाइनली उनको अप्रूवल देना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी का काम है। यही डिसाइड करती है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स और प्रोडक्ट को फील्ड में उतारना है कि नहीं उतारना है, और उससे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फील्ड ट्रायल्स करती है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब दो चीजें इससे और कनेक्टेड है फ्रेंड्स, जहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, प्रोडक्ट्स, जो भी ये सब चीजें आ गई, तो दो चीजें इससे कनेक्टेड है, दो प्रोटोकॉल्स है, याद रखिएगा। एक तो है कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इसी के साथ साथ एक प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, नगोया प्रोटोकॉल। बेसिक में बता दे रहा हूं ये दोनों प्रोटोकॉल क्या हैं। देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि मान लीजिए कोई लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाता है, तो बेसिकली ये जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है, ये गवर्न करता है मूवमेंट किसका, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या प्रोडक्ट का, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शन में लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट का मूवमेंट को गवर्न करता है कौन सा प्रोटोकॉल? कार्टाजेना प्रोटोकॉल।
और नागोया प्रोटोकॉल क्या करता है, नागोया प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स को या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेके गए हैं और मान लीजिए उससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट निकल आया, मान लीजिए उससे कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव क्रॉप निकल आई जिससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, या मान लीजिए उससे कोई बहुत बड़ी दवाई का आविष्कार हो गया जिससे कोई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां सॉल्व हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो बेनिफिट्स है ना वो उस ओरिजिन कंट्री को भी मिलेंगे जहां से वो प्रोडक्ट आया था। तो इक्विटेबल शेयर ऑफ बेनिफिट्स, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेस एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट, ये टारगेट है आपका नागोया प्रोटोकॉल का। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल काम भर की चीजें हमने देख ली हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए, अब हम बात करेंगे सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज की। क्या है अभी अभी NRDPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, एक सर्टिफिकेट कोर्स है किस पे, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड एडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज पे, SLACC पे। इस SLACC को कौन फंड कर रहा है, तो ये स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है SCCF। ये बहुत बार हमारे सामने आता है फ्रेंड्स, किसके अंदर काम करता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। किसके लिए यूज किया जाएगा, एडेप्टेशन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। इस SLACC को इम्प्लीमेंट किया जाएगा किसके साथ मिलके, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, मनरेगा के साथ और दूसरी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के साथ मिलके इस SLACC को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि भाई 200 सर्टिफाइड क्लाइमेट स्मार्ट कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को बनाया जाएगा। नाम देखिए, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, ये वो लोग होंगे जिनमें प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी होंगे, गांव में रहने वाले यंग प्रोफेशनल्स भी होंगे जो एडवांस में प्लानिंग कर सके, मतलब इनको कुछ इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी कि जब भी ये फसल लगाते हैं गांव में या कोई भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हैं तो पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करेंगे और वो प्लानिंग क्लाइमेट प्रूफ प्लानिंग होगी कि मान लीजिए क्लाइमेट एडवर्स हो भी जाता है, वेदर एडवर्स हो भी जाता है तो भी इनको ज्यादा नुकसान ना हो, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी रूरल लेवल पे जिससे ये लोग रूरल लेवल पे अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकें और वेदर वैगरीज से इनको ज्यादा मिस इफेक्ट ना हो। अब इसमें दो वर्ड्स आए, एक तो आए NIRDPR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन जान लीजिए। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सपोर्ट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में कि आपसे पूछ लिया जाएगा ऑप्शन में कुछ इस तरीके से कि ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज क्या ये ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कौन सी मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है, ये एक अच्छा इसका काम और क्या है कि भाई ट्रेनिंग कराता है, रिसर्च कराता है, रिसर्च करता है, कंसल्टेंसी असाइनमेंट करता है रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में। और ध्यान दीजिएगा यहां पे मैंने बोला था कि इसको किसके साथ कन्वर्जेंस में इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के साथ मिलकर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो भैया महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना क्या है, याद रखिएगा ये महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना सब कंटोनेंट है किसका, DAYNRLM दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का सब कंपोनेंट है। काम क्या है कि भाई एग्रीकल्चर में गांव में प्रेजेंट स्टेटस ऑफ वुमेन को इंप्रूव करना और उसको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी अवेल कराना। आगे आ जाते हैं, अब हम बात करेंगे कैफे रेगुलेशंस के बारे में। ये कैफे रेगुलेशंस क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा न्यूज क्या थी, न्यूज ये है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमी रेगुलेशंस टू कर्ब द व्हीक्यूलर पॉल्यूशन हैज बिकम अ कंसर्न अमंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। कुछ बैकग्राउंड बता देता हूं फ्रेंड्स, 2003 की डेडलाइन रखी गई है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के सामने कि 2030 तक बहुत मास बेसिस पे हम लोग बाइक में इलेक्ट्रिक बाइक्स का इस्तेमाल करेंगे, थ्री व्हीलर सेगमेंट्स में भी हम इलेक्ट्रिक चीजों का इस्तेमाल करेंगे, यानी ये जो ऑटो चल रहे हैं आपको तीन व्हीलर ऑटो और जो बाइक हम इस्तेमाल करते हैं ये सब इलेक्ट्रिसिटी वाली आप लॉन्च करिए। अब गवर्नमेंट कह रही है कि ये 2030 की गाइडलाइन को हम थोड़ा और पीछे खींचते हैं, पीछे मतलब पहले 2025 तक लेके आते हैं, 2026 तक लेके आते हैं, तो इस गाइडलाइन को आगे खींचते हैं। यहां पे हमको समझना पड़ेगा कि बेसिकली ये कैफे नॉर्म्स हैं क्या। कैफे का फुल फॉर्म आप समझ ही गए होंगे, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी इकोनॉमी रेगुलेशन। तो बेसिकली ये कैफे नॉर्म्स हैं क्या फ्रेंड्स, तो कैफे नॉर्म्स के बारे में ये समझिए इनका काम क्या है। इनका काम ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को कम करना है, लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस। इससे होगा क्या कि भाई ऑयल डिपेंडेंस दो पर्पज से मीट होंगे। सबसे पहली बात तो जो हम लोग हैविली ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम लोग
कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम करना चाहते हैं तो इससे हमारा एक तो ऑयल कंजम्पशन कम होगा प्लस पॉल्यूशन तो कंट्रोल होगा ही होगा। कॉर्पोरेट एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या है? कॉर्पोरेट एवरेज का मतलब है सेल्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज फॉर एवरी ऑटो मैन्युफैक्चरर, यानी ऑटो मैन्युफैक्चरर की जो सेल्स हैं उसके वॉल्यूम के हिसाब से जो पॉल्यूशन कर रहा है उसके हिसाब से एक सेल्स वॉल्यूम वेटेड एवरेज निकाला जाता है जिसको आप कॉर्पोरेट एवरेज बोलते हैं। ये जो नॉर्म्स लाए गए हैं कैफे नॉर्म्स पेट्रोल के लिए भी लागू है, डीजल के लिए भी लागू है, एलपीजी सीएनजी सबके लिए लागू है। इंडिया में इनको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2017 से, ठीक है 1 अप्रैल 2017, लेकिन ये इससे पहले बहुत सारे डेवलपिंग और एडवांस नेशंस में ऑलरेडी चल रहे हैं। टारगेट क्या है कैफे नॉर्म्स के अंदर, ध्यान दीजिएगा कि एवरेज कॉर्पोरेट सीओ टू एमिशन फ्रॉम व्हीकल मस्ट बी लेस देन 130 ग्राम पर किलोमीटर टिल 2022, यानी 2022 तक 130 ग्राम पर किलोमीटर से कम होना चाहिए एवरेज कॉर्पोरेट, और उसके बाद 113 ग्राम पर किलोमीटर से कम होना चाहिए। प्लस कैफे नॉर्म्स एक और चीज बोलते हैं कि कार को 30% से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाना है 2022 से, और 2017 से 2021 तक कार को 10% से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाना है। तो भाई 2017 और 2021 में कार को 10% से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाना है, और उसके बाद 2022 से आगे कार को 30% से ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट बनाना है। किस चीज में? CO2 एमिशंस के रिस्पेक्ट में, यानी CO2 एमिशंस 10% और 30% से कम कर रहे हैं। और देख लीजिए, द माइलेज इंप्रूवमेंट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लीटर्स ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड बाय अ व्हीकल टू रन 100 किलोमीटर। ये थोड़ी और टेक्निकल चीजें हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई एयर पॉल्यूशन कम किया जाएगा, जो ज्यादा व्हीकल्स बढ़ रहे हैं उससे एयर क्वालिटी बहुत खराब हो रही सिटी में, तो स्ट्रिक्टर फ्यूल स्टैंडर्ड्स को लेके आएंगे तो एयर पॉल्यूशन कम होगा, फ्यूल को बचत होगी। और स्ट्रक्चरल शिफ्ट, स्ट्रिक्टर कैफे टारगेट्स कैन आल्सो लीड टू मैन्युफैक्चरर्स मूविंग टू इलेक्ट्रिक और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स और मीडियम टू लॉन्ग टर्म। कहने का मतलब यह कि कैफे टारगेट्स को हम लेके आएंगे ना तो उससे होगा क्या कि ऑटोमेटिकली हम ऑटोमोबाइल्स में इलेक्ट्रिसिटी की तरफ भागेंगे या ऐसे व्हीकल्स की तरफ भागेंगे जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के साथ मिलकर चलता है, जिससे ऑब्वियसली हमारा ऑयल कंजम्पशन कम होगा और पॉल्यूशन भी कम होगा। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए कैफे नॉर्म्स तो है ही पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ऑयल डिपेंडेंस को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए और क्या क्या चीजें गवर्नमेंट ला रही है, तो भाई BS6 एमिशन नॉर्म्स की बात हो रही है। अप्रैल 2020 से BS6 एमिशन नॉर्म्स को लागू किया जाएगा। फिर आपने फेम की बात सुनी होगी। फेम क्या है फ्रेंड्स? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स स्कीम। इसके अंदर बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं और साथ साथ 2030 से मास बेसिस पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स का यूज होगा। ये तीन चीजों को कैफे रेगुलेशंस के साथ मिलके एक कंसोलिडेटेड बेसिस से बेसिस पे एनवायरमेंट से, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से लड़ने की कोशिश है गवर्नमेंट की, जो कि काफी अच्छी कोशिश है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल गोल्डन लंगूर। तो गोल्डन लंगूर को पहली बार मनरेगा की स्कीम से फायदा होगा। क्या है? कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो 2005 है, इसमें पहली बार कोई नॉन ह्यूमन बेनिफिशरीज होगा। वो कौन होगा? द रेयर गोल्डन लंगूर, जिसको आप ट्रेकीफिथिस गी भी बोलते हैं। ये एक रिजर्व फॉरेस्ट में पाया जाता है, वेस्टर्न आसाम बोंगोइंग डिस्ट्रिक्ट। एक्चुअली इस स्कीम को, इस मनरेगा स्कीम को एक रिजर्व फॉरेस्ट में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अगर आप इस गोल्डन लंगूर की बात करें तो ये गोल्डन लंगूर आपको कहां कहां मिलता है इसके बारे में बात कर ले, थोड़ा बहुत गोल्डन लंगूर के बारे में जानकारी देखते हैं। ओल्ड वर्ल्ड मंकी है, वेस्टर्न आसाम इन इंडिया वाले रीजन में मिलता है, साथ साथ बगल में भूटान के ब्लैक माउंटेन्स है उसके फुटहिल्स में भी मिलता है। इसको गीज गोल्डन लंगूर बोलते हैं, गोल्डन लेफ्ट मंकी भी बोलते हैं। 15 स्पेशीज मिलती है प्राइमेट्स की इंडिया में, जिसमें से 9 स्पेशीज आसाम में मिलती है और उसमें से एक स्पेशीज गोल्डन लंगूर है। साइंटिफिक नेम है ट्रेकीपाइथस गी। डिस्ट्रीब्यूशन रेंज क्या है? केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है और भूटान में मिलता है। थोड़ा बहुत इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देखें तो एक फॉरेस्ट बेल्ट है जो कि वेस्टर्न आसाम में मिलती है। कहां कहां पे? ईस्ट में उसके मानस रिवर है, वेस्ट में संकोश रिवर है और ब्रह्मपुत्र साउथ में है, इंडो भूटान बॉर्डर के पास। भूटान में ये केवल ब्लैक माउंटेन्स के फुटहिल में मिलते हैं। गोल्डन लंगूर के स्टेटस की बात की जाए तो इंडेंजर्ड है IUCN रेड लिस्ट पे, शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, अपेंडिक्स 1 में आता है साइट्स के कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज, और 2 प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स स्पेशीज के इंडिया में कहां कहां पे है, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तो हो गए इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो ये कहाँ कहाँ मिलता है, इस प्रोजेक्ट को, मनरेगा को प्रोजेक्ट को एक फॉरेस्ट में लगाया जा रहा है जो कि रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे, वेस्टर्न आसाम के बोंगोंगोए डिस्ट्रिक्ट में। अब भैया रिजर्व फॉरेस्ट की बात आ गई तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? देखिए रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्टेड लैंड्स है जहां पे लॉगिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग और दूसरी एक्टिविटीज को सस्टेनेबल बेसिस पे परमिट किया जा सकता है कुछ सर्टेन कम्युनिटीज के लिए। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट में पहले परमिशन लेना जरूरी है इन एक्टिविटीज को करने के लिए। प्रोटेक्टेड एरियाज इंडिया में कितने तरीके के हैं? अगर आप इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की टर्मिनोलॉजी को देखोगे तो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट है जिसकी अभी हमने बात की है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी है, कंजर्वेशन रिजर्व भी है, कम्युनिटी रिजर्व भी है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड एरियाज भी, कंजर्वेशन एरियाज भी है। अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करते हो फ्रेंड्स तो उसके हिसाब से चार प्रोटेक्टेड एरियाज है इंडिया में, ध्यान दीजिएगा, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व्स और कम्युनिटी रिजर्व्स। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए जो कि गोल्डन लंगूर पे चलाया जा रहा है मनरेगा के अंदर 27.24 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। ट्रीज प्लांट किए जाएंगे आसाम के काकोई जाना फॉरेस्ट में ताकि इस एंडेंजर्ड प्राइमेट गोल्डन लंगूर की कॉलोनीज को सस्टेन किया जा सके। तो पहली बार किसी नॉन ह्यूमन स्पेशीज को मनरेगा प्रोजेक्ट से सीधे सीधे बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली एम करके। वैसे तो देखिए मनरेगा प्रोजेक्ट से बहुत से एनिमल्स को, हैबिटेट को, एनवायरमेंट को फायदा मिला है लेकिन डायरेक्टली टारगेटेड है ये इस बार प्राइमेट्स पे, उनको सीधे सीधे बेनिफिट मिलने वाला। पेटा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, नेक्स्ट आर्टिकल है ये। अभी अभी एक न्यूज आई थी कि जगन्नाथ यात्रा होने वाली थी अहमदाबाद गुजरात में, उसके लिए आसाम से जो रेलवे के वैगन्स हैं उसमें जुविनाइल छोटे छोटे चार हाथियों को भर के ले जाने की बात हो रही थी, कहां, अहमदाबाद में, जहां पे जगन्नाथ रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इस चीज को पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स ने बहुत पुरजोर विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची थी कि भाई ये नहीं होना चाहिए। तो यहां पे पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जो एनजीओ है इसके बारे में देखते हैं, ये लार्जेस्ट एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, 1980 में से फाइंड किया जाता है, यूएस में बेस्ड है। इनका स्लोगन क्या है, एनिमल्स आर नॉट अवर्स टू ईट, वियर, एक्सपेरिमेंट ऑन, यूज फॉर एंटरटेनमेंट और अब्यूज इन एनी अदर वे, इसका मतलब तो आप समझ ही सकते हैं। चार कोर इश्यूज पे ये काम करते हैं। अपोजिशन टू फैक्ट्री फार्मिंग, फैक्ट्री फार्मिंग क्या होता है फ्रेंड्स कि एक छोटी सी जगह पे क्रैम्ड और इनक्लोज्ड स्टेटस स्टेज में या स्पेस में आपने कुछ एनिमल्स को क्रैम करके भर रखा है जिनको कुछ कामों के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पोल्ट्री चिकन की बात कर लीजिए तो पोल्ट्री के फार्म हाउस में छोटी छोटी जगह पे बहुत सारे चिकन को भर के रखा जाता है जिनको बाद में स्लॉटर करके खाया जाता है। तो इस तरीके की फैक्ट्री फार्मिंग के अगेंस्ट है ये पेटा। फर फार्मिंग के अगेंस्ट है कि भाई एनिमल को पालना ताकि उनके फरों को काट के बाजार में बेचा जा सके, तो इसके अगेंस्ट है। एनिमल टेस्टिंग के अगेंस्ट है और एंटरटेनमेंट का में एनिमल्स का यूज हो इसके भी अगेंस्ट है पेटा। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।